स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन that will keep on going at some time in future। कहने का अर्थ है कि फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में निरंतर होगा। पहचान की अगर बात करें इसमें तो हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इत्यादि से इनको पहचाना जाता है। यानी हम बात करें कि भाई इसकी पहचान कैसे की जाएगी, तो इसकी पहचान की जाएगी कि हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि इसमें आते हैं। इसको भी हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव। एंड फोर्थ हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेंगे। डेफिनेशन में हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्य को व्यक्त करता है, ऐसे कार्य को दर्शाता है जो कि भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेगा। उसके बाद इसके अगर पहचान की बात की जाए तो पहचान में हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगे, रहा होंगे, ये जो आ रहे हैं उसकी पहचान हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हमने और टेंसों को भी डिवाइड किया, इस प्रकार हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम कौन से लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, दूसरा हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, तीसरा हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे और फोर्थ हम लेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए अब इसके बारे में पहले की चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला हमें अपने आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, साधारण जो वाक्य जिनको हम बोलते हैं, इनमें जो कथन जो होता है, जो स्टेटमेंट होती है, वो बिल्कुल सिंपल होती है। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगा देंगे, वही है शैल और विल, लेकिन इसके साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कर लेंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, आपका ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, ये यदि आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड और अगर आपका थर्ड पर्सन अगर आ रहा है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग, बी कॉमन है, बी दोनों के साथ लगेगी, लेकिन आप सेल और विल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कल वाले वीडियो हमने फ्यूचर इंडेफिनिटिव बताया था, कोई सेल का प्रयोग होगा और विल का प्रयोग होगा, इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ
आई एन जी आ जाएगी। यदि सब्जेक्ट अपना फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू सी ही दे इट, नेम ऑफ वन पर्सन वन थिंग वन और टू पर्सन, यानी इसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों इसमें काउंट होंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेम लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे और वी दोनों के साथ ही लगेगा। मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई जी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसे कुछ दो एग्जाम्पल मैंने लिए है। पहला है मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, दूसरा मैंने लिया है वह घर जा रही होगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। आपको हिंदी वाले सेंटेंस मिला, मैंने हिंदी बताया था कि हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आ रहा है। इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा, और इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, रही होगी। दैट मींस ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो रहा है। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है और ना ही वो इसका आंसर नेगेटिव दे रहा है, तो ऐसे सिंपल जाएगा, साधारण जाएगा। तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, हमारी जो स्ट्रक्चर आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर आती है उसका प्रयोग करेंगे। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मैं, और मैं के क्या हो रहा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अगर जा रहा है किसका प्रयोग करेंगे, सेल्फ का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आई सेल। उसके बाद मैंने बताया था कि बी दोनों के साथ लगेगा तो क्या लग जाएगा, आई सेल बी, प्रतीक्षा यानी वेट, और उसके साथ क्या लग जाएगा आई एन जी, आई सेल बी वेटिंग। किसका कर रहा है, आप हर भी कर सकते हो और आप हिंदी कर सकते हो, क्लियर। इसी प्रकार दूसरा होगा वह घर जा रही होगी, यहां पर देखो यह आ रहा है वह, मतलब सी या ही, सॉरी यहां पर वह आ रहा है तो लास्ट में होगी मतलब सी, तो सी आ रहा है आपका थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का, तो क्या हो जाएगा सी विल बी, और क्रिया क्या कर रही है जाने, तो गो हो गया कि गो के साथ क्या लग जाएगा आई एन जी, एंड सी विल बी गोइंग होम या एट होम, क्लियर। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड ऑप्शन आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे इसके नाम से पता चलता है नेगेटिव, यानी जो भी क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, जो भी चीजें की जाएंगी वो आपका नेगेटिव उसका आंसर आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम सेल और विल, नेगेटिव के लिए लगा देंगे नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या लग जाएगा आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान दें यदि आपका सब्जेक्ट कोई है फर्स्ट पर्सन आ रहा हो तो इसका प्रयोग करेंगे सेल, और उसके साथ नेगेटिव अगर आ रहा हो तो नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि अपना सब्जेक्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन अगर आ रहा है तो विल का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा फुल स्टॉप। एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहला मैंने लिया है तुम अपना पार्ट याद नहीं कर रहे होगे, देखो पहचानो कौन सा टेंस आ रहा है। दूसरा इसी प्रकार सिमा इस समय चाय नहीं बना रही होगी, इसी में पहचानो, तो ये टेंस अपना कौन सा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट अगर इसमें तुम, क्रिया क्या कर रहा है याद कर नहीं कर रहा है, नेगेटिव के लिए क्या होगा नहीं आ रहा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा अपना पार्ट। आपके पास सब्जेक्ट आपके पास मिल गया, ऑब्जेक्ट आपके पास हो गया, क्रिया वर्ब आपके पास हो गई, और नेगेटिव सेंटेंस आपके पास हो गया, तो फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा क्या यू। अब जैसे मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन अगर आए तो वहां पर हम क्या लगाएंगे विल, यू विल, नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट,
और उसके बाद बी। याद करने के लिए क्या होता है लर्न और उसके साथ क्या लगा देंगे आईएनजी लर्निंग लर्निंग। उसके बाद होता है अपना पार्ट योर लेसन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके बाद नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे फिर बी लगा देंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसके बाद क्या लगा देंगे सर आईएनजी और लास्ट वर्ब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार है शीला इस समय चाय नहीं बना रही होगी तो यहां क्या हो जाएगा शीला देखो शीला हो गया आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया उसके बाद यह आपका सब्जेक्ट हो गया और क्रिया क्या कर रही है बनाने की कर रही है आपकी वर्ब हो गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका आपकी चाय हो गई नेगेटिव हो गया नॉट के लिए नहीं आ रहा है और इसी समय ये आपका टाइम लग रहा है तो क्या करेंगे हम सीधा उसके बाद सीधा थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करोगे विल का प्रयोग करोगे शीला विल नेगेटिव आ रहा है तो नॉट का प्रयोग कर दो शीला विल नॉट बी। अब यहां हम मेकिंग नहीं करेंगे हम करेंगे प्रीपेयर तो यहां हो जाएगा नॉट बी प्रीपेयर और उसके साथ क्या लग जाएगा आईएनजी प्रीपेयरिंग टी और इस समय के लिए एट दिस टाइम तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होगी दो ही तरीके से इसकी पहचान होगी अगर वर्ब फिल करनी आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा और अगर उसमें डब्लूएच वर्ड आ रहा है तो वो भी इंटरोगेटिव और लास्ट में जाओगे साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की शुरुआत की शुरुआत किससे होगी क्या से होगी ठीक है और लास्ट में क्या होगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐसा आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में इसकी सेल और विल उसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है सेल और इंटरोगेशन। इसकी पहचान कैसे की जाएगी इसके अंदर यानी अगर वर्ब फिल करने आई है तो सबसे पहले हम सेल और विल लिखेंगे सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा उसके बाद बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में सेल और इंटरोगेशन। बात करें डब्लूएच वर्ड की तो सबसे पहले हम डब्लूएच वर्ड्स लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे उसके बाद बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका बनता है सेल और इंटरोगेशन। ये आपका बनता है डब्लूएच वर्ब। सबसे पहले डब्लूएच वर्ड लिखेंगे जो डब्लूएच वर्ड से स्टार्ट होगा वो काम कैसे कहा उसके बाद हम सेल और विल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसका प्रयोग कर देंगे आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इनकी पहचान भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो जैसा मैंने बताया था हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर वर्ब भी आ जाए तो सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब या तो आपके पास ब्लैंक दिया जाएगा उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके बाद फिर ब्लैंक दिया जाएगा उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। ये तो वर्ब फिल करनी होगी और डब्लूएच हो तो सबसे पहले हम डब्लूएच लेंगे इसमें उस डब्लूएच लेने के बाद जैसे अपना सब्जेक्ट फर्स्ट आ रहा है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे और सेकंड और थर्ड आ रहा है विल का प्रयोग करेंगे उसके बाद बी वर्ब बी फर्स्ट के साथ आईएनजी इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। फोर्थ आता है अपना एग्जांपल हम एक साथ में लेंगे फोर्थ आता है अपना नेगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, स्ट्रक्चर वही काम करेगा सर। नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले होगा हेल्प टू वर्ब से स्टार्ट होगा, सर और विल में से एक होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा नेगेटिव के लिए नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा आपका सर ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड स्ट्रक्चर जो आता है वो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेल और विल में से एक। नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सेल ऑफ इंटरोगेशन। दोनों सेम स्ट्रक्चर है, नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग कर रहा है आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, नो का प्रयोग कर सकते हो, नॉट का प्रयोग कर सकते हो, और आप नेवर का भी प्रयोग कर सकते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने तीन एग्जांपल लिए हैं, क्या रोग की दवाई पी रहा होगा, पहचान होगी इसकी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ, क्या वे गाड़ी में सफर कर रहे होंगे, ये भी आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, और क्या लकड़हारे वन में वृक्ष नहीं गिरा रहे होंगे, ये भी आपका फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। तीनों की पहचान हो गई, लेकिन अब आपको इसमें देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या गया, सम ऑफ इंटरोगेशन, दैट मींस आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। लेकिन ये जो लास्ट का है क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेशन भी आ रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, ये नेगेटिव, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की, क्या आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो रोगी है, पेशेंट जो है, वो थर्ड पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो रोगी किस में जाएगा, पेशेंट किस में जाएगा, थर्ड पर्सन, तो यह हो जाएगा विल द पेशेंट, ठीक है, बी टेकिंग टेकिंग दी मेडिसिन, इसी प्रकार सेकंड है, क्या वे गाड़ी में सफर कर रहे होंगे, तो क्या आ रहा है, वे आ रहा है थर्ड पर्सन, ये भी वही हो जाएगा, विल दे बी सफर की हो जाएगी ट्रैवलिंग, इसके अंदर इनको नहीं करेंगे हम, बाई ट्रेन, और लास्ट हो जाएगा आपका सर ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट वाला आता है, क्या लकड़हारे वन में वृक्ष सही गिरा रहे होंगे, तो लकड़हारे आपका प्लूरल बनता है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल द वुड कटर्स, विल द वुड कटर्स, अब उसके बाद नेगेटिव आ रहा है तो क्या लग जाएगा, नॉट बी, और क्या कर रहे हैं, गिरा रहा है, तो इस फैलिंग के साथ, फैल के साथ लग जाएगी आईएनजी, द विल द वुड कटर नॉट बी फैलिंग ट्री इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में आपको क्या लग जाएगा, सेट ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से हम ये एग्जांपल करेंगे, बाकी के जो एग्जांपल है वो अपने ऐप पर मिलेंगे, उसमें आप माय असाइनमेंट में जाकर क्लिक करना, वहां पर अब कई बार जो है आपके पास एग्जाम में जो है बर्फ भर्ती आ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, तो आप लिखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड समवर्ड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे,
इनके साथ क्या लगा होगा, इनके साथ लगा होगा एट दिस टाइम, इनके साथ क्या लगा होगा एट दिस टाइम। ध्यान दें मैंने लिखा है, अब कई बच्चे जो कंफ्यूज आते हैं कि कल भी टुमारो था और नेक्स्ट था, तो इसलिए टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, वो आपका नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट नाइट हो सकती है, नेक्स्ट डे हो सकता है, यानी मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट होगा और टुमारो होगा, संडे भी आ सकता है, नेक्स्ट डे आगे जो कुछ भी आए, लेकिन वो किससे जुड़े होंगे आपके, उनके साथ क्या लगा होगा एट दिस टाइम लगा होगा, एट दिस टाइम लगा होगा, तो एट दिस टाइम आप समझ जाना ये आपका कौन सा जा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम से जा रहा है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, पहला जो एग्जांपल है जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है कुछ वर्ड्स के साथ किया जाता है, जैसे आपका आ गया टुमारो, आ गया नेक्स्ट, आ गया नेक्स्ट के साथ वीक भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूजडे भी हो सकता है, फिर आपका जनवरी मार्च जो भी है वो हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना है इनके साथ क्या जुड़ा होगा आपका एट दिस टाइम जो है वो जुड़ा हुआ होगा। तो एग्जाम्पल मेरे लिए है दे कुक ब्लैंक फूड एट दिस टाइम टुमारो, आपको यदि वर्ड याद है तो आप उसको तुरंत वर्क फील कर सकते हो या क्या करोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को करोगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका टुमारो आ रहा है, टुमारो के साथ क्या रखा है एट दिस टाइम रखा है। इसी प्रकार सेकंड है आई ड्रिंक एन एसे एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, इसमें भी टुमारो दे रखा है लेकिन उसके साथ क्या रखा है एट दिस टाइम रखा है। पहचान होगी तुरंत, अब जैसे ही आपने इसकी पहचान कर ली आपको क्या देखना है, आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि आपका थर्ड पर्सन आ रहा है तो सब लोग करोगे विल का प्रयोग करोगे। अब ये दी कुक जो है थर्ड में आता है तो हम सब लोग हो जाएगा विल, नेगेटिव नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर सिर्फ वर्ब लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा विल बी कुकिंग। क्लियर, अगर ये नेगेटिव करना होता तो क्या होता दी कुक विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। ठीक, इसी प्रकार आप यहां देखना सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं सेल का, आई सेल बी, वर्ब आप किधर रखी है राइट, तो क्या हो जाएगा राइट, ई जो है वो लुप्त हो जाएगा क्योंकि जब भी हम इसके साथ आई एन जी जोड़ते हैं, राइट के साथ आई एन जी जोड़ते हैं तो दो ये आपका लुप्त होता है, ऐसे अगर आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों जो है वो सेम हो रहे हैं, कभी भी आप देखना कि आई ई आई कभी नहीं आता है आई ई आता है। ठीक है, तो आई एन जी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा राइट का डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ई शब्द यहां जाता है आई एन जी लग जाता है। ठीक है, अब कल हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, आज तक अब इतना ही, थैंक्स।